मेले में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए बुजुर्ग व्यापारी की नाबालिग ने जेब काट ली। जेब में रखे करीब 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। हालांकि जेब काटने की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुजुर्ग व्यापारी अशोक मोदी ने बताया कि वह रूपवास मंदिर मेले में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। इस दौरान उन्होंने भगवान को 500 रुपए की भेंट चढ़ाई, जिसके बाद वो पंडित को दक्षिणा देने गए तो उनकी जेब में रखी 50,000 की गड्डी चोरी हो गई, जिसकी सूचना मेला कमेटी को दी गई, जिसके बाद सीसीटीवी में देखा तो वहां एक नाबालिग बच्चा उनकी जेब तराश कर पैसे निकालता हुआ दिखाई दिया। जाते वक्त नाबालिग ने पैसों की गड्डी अपनी जेब में रखी और वहां से फरार हो गया। व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। दर्शन करने मंदिर जी के पुजारी के पास आया था तो उनको मैंने पैसे 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ा के मैं दूसरा डोर बनवाने गया, उनको दक्षिणा के पैसे देने के चक्कर में गया था, देखे तो मेरी गड्डी एक गायब थी जेब में, तो वो रुपए फिर हमने तलाश किया, फिर हम सीसीटीवी कैमरे वाले के पास गए, उन्होंने बेचारों ने बहुत मशक्कत की, फिर वो मेरी फोटो आई, फिर निकालते हुए लड़के की फोटो देखी और वो फोटो आज भी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लगभग 40 से 50,000 के बीच में। हाँ, शिकायत कर दी है साहब।